राजनीतिक चस्का, प्रदेश की राजनीति में मतदाता किस पर लगाएंगे अपना दांव? योगी खिलाएंगे फूल या अखिलेश की दौड़ेगी साइकिल, या पंजा दिखा पाएगा अपना दमखम? हाथी की रफ्तार बढ़ेगी या झाड़ू अपनी उम्मीद पर खरा उतर पाएगी? जानने के लिए देखिए राजनीतिक चस्का। उत्तर प्रदेश के बरेली में सट्टे का खेल बदस्तूर जारी है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की अनदेखी में लगातार सट्टे का खेल चल रहा है। अगर हम कहें कि पुलिस प्रशासन की मिली भगत से खेल किया जा रहा है, तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ताजा मामला कांधरपुर क्षेत्र का आया है, जहां पर राम बहादुर वाली गली में प्रमोद पाल नाम का व्यक्ति सट्टे का खुलेआम खेल कर रहा है। उसने नाम के लिए पानी का प्लांट लगा रखा है, लेकिन वहां पर बैठकर सट्टे का खेल किया जा रहा है। सट्टे के खेल में लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। आपको बता दें कि पूरा मामला बरेली के कांधरपुर क्षेत्र का है, जहां पर राम बहादुर वाली गली में प्रमोद पाल ने पानी का प्लांट लगा रखा है और यहां पर बैठकर वह सट्टे की पर्चियां बनाता है। इस गली में सट्टे का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है, जबकि पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब देखना यह है कि इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद पुलिस प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। बरेली से बसंत कुमार के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।